हैप्पी जन्माष्टमी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। फ्रेंड्स, तो आज है जन्माष्टमी और ये देखिए अभी हमने छोटा सा, हमारा एक मंदिर है, हमने यहाँ मंदिर अभी नहीं हमारा हो पाया है ना, तो छोटा सा एक कोने में पटरा रख के हमने अपने कान्हा जी को स्थापित किया हुआ है फिलहाल अभी, क्योंकि जो पहले मंदिर था ना वो यहाँ से हट चुका है और अभी फ़िलहाल हमने ऐसी टेम्परेरी मंदिर बना रखा है। तो अभी ये देखिए कान्हा जी का जन्म हो गया है फ्रेंड्स। तो पापा की हमारी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो हम बहुत ज़्यादा धूमधाम से जन्माष्टमी नहीं मना पाए हैं। तो अभी ये देखिए इनको नहलाया जा रहा है जल से, दूध, जल, दही, शहद, इन सब चीज़ों से नहलाया जाता है ना इनको। पहले इनको इन सब चीज़ों से स्नान कराया जाएगा। स्नान कराने के बाद इनको नए नए वस्त्र पहनाएंगे, उनकी जो उनको उनका श्रृंगार वगैरह किया जाएगा फ्रेंड्स। तो हालांकि सोचा था बहुत कुछ करने के लिए था, लेकिन पापा जी की तबीयत ख़राब होने की वजह से ना हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए। फिर सब लोग परेशान थे, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी दो दिन से, मुझे भी काफ़ी बुखार आ रहा था। आपको चेहरा देखकर ही लग रहा होगा मेरा, आज भी जब मैं पूजा कर रही हूँ ना तो मेरी तबीयत तब भी ठीक नहीं थी, लेकिन हाँ ये है कि कान्हा जी की कृपा से मेरी हिम्मत उतनी बंध गई कि हाँ मैंने उनकी पूजा की। और जैसे भी हो तो मैंने कहा चलिए जो भी है जैसे भी है उसकी रिकॉर्डिंग कर ली जाए और आप लोग के साथ शेयर किया जाए फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं कर लेती हूँ अपने कान्हा जी की पूजा। तो आप लोग देखिए वीडियो, आज मैं ज़्यादा वॉइस ओवर नहीं करूँगी, तो लगा दूँगी म्यूज़िक और म्यूज़िक के साथ आप लोग देखिए वीडियो और वीडियो इंजॉय करें। और बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स। आई नो कि वीडियो बहुत अच्छा नहीं जा रहा है, तो क्योंकि ना इस टाइम मैं बहुत परेशान चल रही हूँ, बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है मेरे घर के अंदर, जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है वीडियो शूट करने का। तो देख लीजिएगा आप लोग, मैनेज कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए अभी मेरे कान्हा जी जो है अपने जो झूले में है वो विराजमान हो गए हैं और अभी जा रही हूँ उनकी धूप दिया अगरबत्ती से उनकी पूजा वगैरह की जाएगी, भोग वगैरह लगाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग उसे इग्नोर करिएगा। तो ठीक है, मैं लगा देती हूँ म्यूज़िक और आप लोग देखिए वीडियो और इन्जॉय करें। अभी
ये देखिए अभी हम लोगों ने जो पूजा है वो कर ली है और अब हो रही है आरती। और पूजा में बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, जैसा कि मैंने आप लोग को बता दिया था, पहले ही बता चुकी हूँ कि जो मेरी जो आधी फैमिली है अब वो यहाँ पर नहीं है, मतलब मेरी बड़ी सिस्टर जो है उनकी फैमिली अब यहाँ नहीं रहती है, उनके बेटे ने अपना फ्लैट ले लिया है, अब वो लोग वहाँ शिफ्ट हो गए हैं ना, तो यहाँ पर आधी फैमिली बची है। अब यहाँ पर हम तीन बहनें हैं और पापा जी बीमार हैं, वो रूम में लेटे हुए हैं, तो बस उन्हीं की कमी थोड़ा सा खल रही है फ्रेंड्स, क्योंकि जब भी जन्माष्टमी या कोई भी फेस्टिवल होता है ना तो सबसे ज़्यादा इन्जॉय वो करते हैं सबके साथ, बच्चों के साथ खासकर। बट आज वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, इतने ज़्यादा हैं कि उनको ये भी नहीं पता कि आज जन्माष्टमी का भी त्यौहार है, तो वो फ़िलहाल इसलिए हमें बहुत अजीब सा फील हो रहा है, सुना सुना सा लग रहा है फ्रेंड्स। तो कोई नहीं यार, आप लोग दुआ करिएगा कि वो जल्दी ठीक हो जाए फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को तुरंत मिल जाए फ्रेंड्स। तो ये देखिए, ये है मेरी छोटी दीदी, यानी एक एक करके हम सब ने आरती ले ली है, आरती उतार ली है कान्हा जी की फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आप लोगों से अपने अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे, बाय बाय। एक बार अगेन आप लोगों को हैप्पी जन्माष्टमी।